जी तो दोस्तों शुरू करते हैं ifectioner.com का लर्न इंग्लिश टू उर्दू सबक नंबर 24। हमें आपकी ज़रूरत है। वी नीड यू, वी नीड यू, वी नीड यू। हमें आपकी ज़रूरत है। वी नीड यू। मुझे नींद आ रही है। आई एम स्लीपी, आई एम स्लीपी, आई एम स्लीपी। आई एम जो है वो आई एम की शॉर्ट फॉर्म है। मुझे नींद आ रही है। आई एम स्लीपी। मैं फ्रांस में हूँ। आई एम इन फ्रांस, आई एम इन फ्रांस, आई एम इन फ्रांस। मैं फ्रांस में हूँ। आई एम इन फ्रांस। वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे गलती है, या तो आप कहेंगे ही इज़ माई फ्रेंड या फिर ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, ये एस जो है, या तो आप ये वाला अपोस्ट्रॉफी एस डालेंगे या फिर इज़ लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड। वो मेरी दोस्त है। शी इज़ माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड। ये खूबसूरत जगह है। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। इट्स जो है इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। ये खूबसूरत जगह है। It's a beautiful place. We need you. I am sleepy. I'm in France. He's my friend. It's a beautiful place. मुझे ये जगह पसंद है। I like this place. I like this place. I like this place. मुझे ये जगह पसंद है। I like this place. किसी आप होटल में गए हों तो आप कह सकते हैं I like this place. किसी तफरी मकाम पे गए हों आप कह सकते हैं I like this place. क्या आपके पास इसकी कापी है? Do you have a copy? Do you have a copy? क्या आपके पास कापी है? Do you have a copy? अगर कोई चीज़ ओरिजिनल हो आप कहें क्या आपके पास कॉपी है? डू यू हैव अ कॉपी? कॉपी पासपोर्ट की कॉपी हो सकती है, आईडी कार्ड की कॉपी हो सकती है, नोट्स की कॉपी हो सकती है, किसी भी चीज़ की। मेरे पास कॉपी है। आई हैव अ कॉपी, आई हैव अ कॉपी, आई हैव अ कॉपी। और इसको आप शॉर्ट करके आई अपोस्ट्रॉफी वी ई भी लिख सकते थे और उसको पढ़ते आई हैव अ कॉपी। मेरे पास कॉपी है। आई हैव अ कॉपी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट हियर? और बेहतर यह है कि यहाँ पे आप यूज़ करें मे आई सिट हियर, क्योंकि आप इजाज़त ले रहे हैं। ठीक है जी। अमेरिकन इंग्लिश में तो आप कह सकते हैं कैन आई सिट हियर, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आप पूछेंगे मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर। मैं हवाई अड्डे पर हूँ। आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट। मैं हवाई अड्डे पर हूँ। आई एम एट द एयरपोर्ट। आई लाइक दिस प्लेस। डू यू हैव अ कॉपी? I have a copy. I have a copy. Can I sit here? लेकिन अच्छा है आप पूछें May I sit here? मैं हवाई अड्डे पर हूँ। I am at the airport. मैं टैक्सी स्टैंड पे हूँ। I am at the taxi stand. मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। I am at the railway station. ये मज़े की बात है। इट्स फनी, यानी कि ये फ़नी बात है,
ये मज़े की बात है. इट्स फनी, इट्स फनी, इट्स फनी, ये मज़े की बात है. इट्स फनी. ये जगह कहाँ है? वेयर इज़ दिस प्लेस? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सवाल है. ठीक है जी, ये गलती है. वेयर इज़ दिस प्लेस? वेयर इज़ दिस प्लेस, ये जगह कहाँ है? क्वेश्चन मार्क. वेयर इज़ दिस प्लेस? मुझे पानी चाहिए. आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर. जब कोई चीज़ चाह रहे हो, चाह हो किसी चीज़ की, तो आप कहेंगे वॉन्ट. जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आप कहेंगे नीड. ठीक है जी. आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए. आई वॉन्ट वाटर. और अगर आप किसी होटल में हैं, किसी रेस्टोरेंट में हैं, तो आप पूछेंगे, आप कहेंगे आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. यानी कि थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन डालने के लिए आप कहेंगे आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. लेकिन आप सिंपल ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट वाटर. मुझे आपका शहर पसंद है. आई लाइक योर सिटी, आई लाइक योर सिटी, आई लाइक योर सिटी, मुझे आपका शहर पसंद है. आई लाइक योर सिटी. आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग. इट्स फनी, वेयर इज़ दिस प्लेस? क्वेश्चन मार्क. आई वॉन्ट वाटर, आई लाइक योर सिटी, वेयर आर यू गोइंग. आप क्या सोच रहे हैं? वॉट आर यू थिंकिंग? अगर ये हो आर यू थिंकिंग, तो ये होगा सिर्फ सिंपल क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग. लेकिन अगर ये हम सवाल पूछें आप क्या सोच रहे हैं, तो उससे पहले वॉट लगेगा. वॉट आर यू थिंकिंग? ठीक है जी, दोनों में डिफरेंस है. आर यू थिंकिंग, क्या आप सोच रहे हैं. वॉट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं. क्या आपने कुछ पूछना है, या क्या आपके पास सवाल है. डू यू हैव अ क्वेश्चन, डू यू हैव अ क्वेश्चन, डू यू हैव अ क्वेश्चन, क्या आपने कुछ पूछना है. डू यू हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है. आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, शॉर्ट करके आई अपोस्ट्रॉफी वी ई, आई हैव अ क्वेश्चन, अपोस्ट्रॉफी इस सिंबल को कहते हैं. आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है. आई हैव अ क्वेश्चन, आपका क्या सवाल है. व्हाट्स योर क्वेश्चन, व्हाट्स जो है व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म है. व्हाट्स योर क्वेश्चन, आपका क्या सवाल है. व्हाट्स योर क्वेश्चन. वो मेरी अम्मी हैं. शी इज माई मदर, शी इज माई मदर, शी इज़ माई मदर, मदर, वो मेरी अम्मी हैं. एक्सक्यूज मी, शी इज़ माई मदर, वो मेरी अम्मी हैं. शी इज़ माई मदर. यहाँ पे आप शॉर्ट करके शीज़ भी लिख सकते हैं, एस एच ई अपोस्ट्रॉफी एस, इस तरह माई मदर. वो मेरे अबू हैं. ही इज़ माई फादर, शॉर्ट करके एच ई अपोस्ट्रॉफी एस भी लिख सकते हैं, उससे पढ़ेंगे ही इज़ माई फादर. जल्दी में बोलेंगे ही इज़ माई फादर. वो मेरे अबू हैं. ही इज़ माई फादर. आप क्या ख़रीद रहे हैं? वॉट आर यू बाइंग, बाइंग, बाय से बाइंग. वॉट आर यू बाइंग, वॉट आर यू बाइंग, आप क्या ख़रीद रहे हैं. What are you buying? आप क्या बेच रहे हैं. What are you selling? Selling. What are you selling? What are you selling? आप क्या बेच रहे हैं. What are you selling? ये ठंडा है. It's cold.
It's cold. It's cold. ये ठंडा है. It's cold. ये गर्म है. It's hot. It's hot. It's hot. Coffee is hot. Cold drink is cold. Roo afza is cold. Tea is hot. ठीक है जी. ये गर्म है. It's hot. Repeat कर दूँ एक दफा. He is my father. जल्दी में. He is my father. What are you buying? What are you selling? Question mark. ठीक है ये गलती है. It's cold. Coffee is cold. Ice cream is cold. Coca-Cola is cold. It's hot. Tea is hot. Black coffee is hot. मैं वहाँ काम करता हूँ. I work there. I work there. I work there. मैं वहाँ काम करता हूँ. I work there. मैं वहाँ काम नहीं करता. I don't work there. मैं अब वहाँ पे काम नहीं करता. I don't work there anymore. क्या मैं वहाँ पर काम करता हूँ? Do I work there? वो क्या चाहते हैं? What do they want? What do they want? What do they want? वो क्या चाहते हैं? What do they want? ये मेरे लिए बुरा है. आपको कोई ठंडी चीज़ दे रहा हो, आपके दांत में दर्द हो, तो आप कहेंगे It's bad for me. या कुछ सिगरेट पीने को कह रहा हो, आप सिगरेट नहीं पीते, तो आप कहेंगे It's bad for me. It's bad for me. ये मेरे लिए बुरा है. It's bad for me. ये आपके लिए अच्छा है. It's good for you. It's good for you. It's good for you. ये आपके लिए अच्छा है. It's good for you. क्या आप बेहतर हैं? Are you better? Are you better? Are you better? कोई बीमार था, आप उसे पूछें फ़ोन करके. Are you better now? Are you better? क्या आप बेहतर हैं? Are you better? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? Are you feeling better? ठीक है जी, महसूस करना, feeling. Feel. Feel से feeling. Are you feeling better? अच्छा, तो guys and girls, अब जो है मैं पूरा का पूरा lesson English में repeat करूँगा. आप गौर से सुने, इससे आपकी English listening skills, English pronunciation बेहतर होगी. जी, शुरू करता हूँ. We need you. I'm sleepy. I'm in France. He's my friend. या फिर He's my friend. एक चीज़ आएगी, दोनों नहीं आएंगी. It's a beautiful place. I like this place. Do you have a copy? Do you have a copy? I have a copy. Can I sit here? I'm at a airport. अगर आप किसी specific airport पे हैं, तो आप कहेंगे I am at the airport. It's funny. Where is this place? Question mark. I want water. I would like to have a glass of water, please. I like your city. I don't like your city. I dislike your city. I love your city. I hate your city. Where are you going? Are you thinking? Do you have a question? I have a question. या फिर I have a question. What's your question? Who is she? She is my mother. He is my father. What are you buying? What are you selling? Question mark.
It's good. It's hot. I work there. What do they want? It's bad for me. It's good for you. Are you better? Guys and girls, अब करते हैं exercise. इस दफ़ा जो है मैं उर्दू में बोलूँगा और आपको उसकी English translation यहाँ से पढ़ के बोलनी है. शुरू करते हैं जी. हमें आपकी ज़रूरत है. बोलें जी. We need you. मुझे नींद आ रही है. बोलें जी. आई एम स्लीपी. और अगर मैं कहूँ मुझे नींद नहीं आ रही है तो क्या होगा? जी आई एम नॉट स्लीपी. मैं फ्रांस में हूँ. बोलें बिल्कुल ठीक. आई एम इन फ्रांस. वो मेरा दोस्त है. बोलें जी. ही इज़ माई फ्रेंड. सिर्फ ही इज़ माई फ्रेंड या फिर ही इज़ माई फ्रेंड आएगा. ये खूबसूरत जगह है. बोलें जी. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. मुझे ये जगह पसंद है. बोलें जी. आई लाइक दिस प्लेस. क्या आपके पास इसकी कॉपी है? बोलें जी. डू यू हैव अ कॉपी? मेरे पास कॉपी है. बोलें जी. आई हैव अ कॉपी. शॉर्ट करके आई हैव अ कॉपी. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बोलें जी. कैन आई सिट हियर? मैं हवाई अड्डे पर हूँ. बोलें जी. आई एम एट द एयरपोर्ट. ये मज़े की बात है. बोलें जी. इट्स फनी. ये जगह कहाँ है? क्वेश्चन मार्क. बोलें बिल्कुल ठीक. वेयर इज़ दिस प्लेस? क्वेश्चन मार्क. मुझे पानी चाहिए. बोलें जी. आई वॉन्ट वाटर. मुझे आपका शहर पसंद है. बोलें वेरी गुड. आई लाइक योर सिटी. आप कहाँ जा रहे हैं? बोलें बिल्कुल ठीक. वेयर आर यू गोइंग? आप क्या सोच रहे हैं? बोलें यहाँ पे होगा जी. व्हाट आर यू थिंकिंग? सही कह रहे हैं. और अगर मैं पूछूं क्या आप कुछ सोच रहे हैं तो क्या आप कहेंगे? जी आर यू थिंकिंग? क्या आपने कुछ पूछना है? बोलें जी. डू यू हैव अ क्वेश्चन? मेरा एक सवाल है. बोलें जी. आई हैव अ क्वेश्चन या फिर आई हैव अ क्वेश्चन. आई अपोस्ट्रॉफी वी ई. आपका क्या सवाल है? बोलें जी. व्हाट्स योर क्वेश्चन? हु इज शी? कोई पूछे हु इज शी, वो कौन है, तो आप क्या कहेंगे? वो मेरी अम्मी हैं. बोलें जी. शी इज़ माई मदर. वो मेरे अब्बू हैं. बोलें जी. ही इज़ माई फादर. आप क्या खरीद रहे हैं? बोलें जी. व्हाट आर यू बाइंग? आप क्या बेच रहे हैं? क्वेश्चन मार्क. बोलें जी. ये है व्हाट आर यू सेलिंग और आखिर में क्वेश्चन मार्क. ये ठंडा है. बोलें जी. इट्स कोल्ड. ये गर्म है. बोलें जी. इट्स हॉट. मैं वहाँ काम करता हूँ. बोलें जी. आई वर्क देयर. अगर मैं ये कहूँ मैं यहाँ काम करता हूँ तो क्या होगा? ओ वेरी गुड. आई वर्क हेयर. वो क्या चाहते हैं? बोलें जी. व्हाट डू दे वांट?
ये मेरे लिए बुरा है, बोलें। जी, इट्स बैड फॉर मी। ये आपके लिए अच्छा है, बोलें। जी, इट्स गुड फॉर यू। क्या आप बेहतर हैं, बोलें। जी, आर यू बेटर। तो गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे उर्दू के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखें लेसन सीरीज़ के इस लेसन में ज्वाइन किया। अगर आपको मज़ीद एक्सरसाइजेस करनी हैं तो ifactioner.com पे विज़िट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा ब्रेक के बाद। अनटिल देन, टेक केयर, बाय।